हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न चल रहा है और 2-3 महीने हमारा इतना काम बड़ा होता है क्योंकि हम हरी हरी सब्जियां खरीद कर तो ले आते हैं, लेकिन इसका इतना काम बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि अगर इनको कोई साफ़ कर दे तो हम इनको इजली बना लें। पर वही तो प्रॉब्लम होती है कि इनको साफ़ कौन करे, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और दिन भी छोटे होते हैं। तो ये देखिए, खासकर मेथी साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छे से ट्रिक मेथी साफ़ करने की। तो आप देखिएगा, खासकर मेथी साफ़ करने में फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमें एक एक डंडे उठाकर उसको साफ़ करना होता है, उसके पत्ते पत्तियाँ तोड़नी होती है, खासकर जब हम पराठा बनाते हैं या फिर चिल्ले वगैरह में डालते हैं तो हमें पत्ते ही चाहिए होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही अच्छे से ट्रिक। तो ये ले लिया हमने जारा, जो जैसे हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं वही जारा ले लिया है। और आप ये काम बच्चों से भी करवा सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हों उनसे भी करवा सकते हैं, खेल खेल में बच्चे ये काम कर देंगे और बड़े बूढ़े भजन सुनते सुनते आपका ये काम इजीली कर देंगे। तो ये देखिए, आपका भी टाइम बचेगा और उनको करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखिए, इस तरह से पत्ते पत्ते मेथी के साफ़ हो रहे हैं। एक साइड से डालिए, दूसरी साइड से आप इसको खींच लीजिए, तो ये डंडियाँ एकदम साफ़ हो गई और पत्ते पत्ते जो है ऊपर आ गए। तो ये पत्ते पत्ते हम काम में ले लेंगे, डंडियों को हम फेंक देंगे। अगर कच्ची होंगी तो फिर हम इसको आलू के साथ बना सकते हैं, पर कच्ची नहीं होती, पकी होती है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी से हमारी मेथी जो है साफ हो गई और डंडियाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पराठे जब बनाते हम तो ये डंडियाँ आती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, क्योंकि दांतों में फंसती हैं, तो हम पत्ते पत्ते ही यूज करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये पत्ते पत्ते टूट कर तैयार हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कोई डंडी नहीं इसमें, और बहुत ही अच्छे से हमारी मेथी जो है साफ हो गई है। ये देखिए, इतनी डंडियाँ निकली है और एकदम क्लीन हुआ है, पत्ते पत्ते सारे निकल आए हैं। तो इसी तरह से आप मेथी को साफ कीजिए। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो आप उनको ये काम देकर बिठा दीजिएगा कि जल्दी जल्दी इस तरह से आप ये काम कीजिए, फिर आपको अच्छी सी चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चे खेल खेल में मज़े मज़े में चॉकलेट के लालच में आपका ये काम बहुत इजीली कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथी साफ़ करने की मेरी ट्रिक कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।